अब तकरीबन चीज़ें सामने आ गई कोई ऐसी खुफिया रखने वाली बात कम अज़ कम मेरी समझ में तो उसमें नहीं आई तो आपके पास क्या ख़बरें क्या डर था इसमें से ऐसी कौन सी शिक थी जिससे हुकूमत को तरा पड़ा हुआ था और छुपा के रखा हुआ था नहीं देखिए पहली बात तो यह है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए एक नंबर गेम है वो आपको भी पता है मुझे भी पता है टू थर्ड मेजार्टी चाहिए वो है नहीं टू थर्ड मेजार्टी के लिए जाहिर है कि नहीं है तभी तो कंफर्टेबल नहीं होगी तभी यह अमल हो रहा है जहाँ ये नहीं है वहाँ पर जो है जाहिर है अभी एक ड्राफ्ट बन रहा होगा या हो रहा है किस पे ऐतराज है किस पे नहीं है वो पार्लियामानी कमेटी भी जो है खूशी उसका भी इजलास महत्वन अजलास उसके हो चुके हुए हैं फिर जो क्यादत है उसके दरमियान भी गुफ्तनी हो रही है पाकिस्तान तहरीक साहब का बड़ा वाजभ मौका है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वोट नहीं करेंगे आम... क्या मौलाना साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या पी टी आई को वो वोट करने की कोशिश करें मौलाना साहब की जो है वो इक्तदा में उन्होंने नमाज तो पढ़ी है तो मौलाना साहब को इमाम तो तस्लीम किया है ना उन्होंने कभी किसी जमाने में कुछ और कहा करते थे अच्छी बात है ये, तो ये, अच्छी। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक पॉलिटिकल जो है वो निगोसिएशन ये चलते रहते हैं जाहिर अपोजिशन है अपोजिशन तो चाहेगी कि वो डिफीट करे और गवर्नमेंट का ये हक है ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा ही हैं सारी चीजें लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो जाहिर जो सियासी जमातें होती हैं वो अपने मंशूर पे वोट लेके आती हैं और फिर उसके मुताबिक जो है वो कानून साजी और फिर उसके अंदर जो भी वो रिफॉर्म्स करना चाहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन्होंने चलानी होती है मुकना में आपकी अक्सरीत है तभी तो आपकी हुकूमत भी बनती है और फिर आपने उसको लेके आगे भी चलना है और भलाई होती है आम आवाम के सामने तो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट वैसे भी नहीं हो सकती है तो अब जैसे अठारहवीं तरमीम हमारे सामने आई थी कि इस मुल्क के साथ में होता तो यही रहा है ना सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को मार्शल लॉ के जरिए से जो है वो मिला जाता रहा बदला जाता रहा कभी गैर जमाती असम्बली के जरिए से उसको तस्दीक की जाती रही फिर हमारी अदालतें जो हैं वो मार्शल लॉ को जायज पहले करार देती थी फिर उसकी वैलिडिटी होती थी फिर ये सिलसिला रुका 2010 या 2007 के बाद से ना पार्लियामेंट ने उस वक्त के जनरल परवेज मुश्रफ के इकदाम की तोसी की और ना ही अदालतों ने की तो अब लेकिन फिर उसके बाद एक और फेस शुरू हो जाता है कि वो जो एक जिसको हम बड़े महताद अंदाज के अंदर जुडिशल ओवर रीच का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो एग्जेक्टिव के ऊपर भी गई और पार्लियामेंट की कानून साजियों के ऊपर भी आई अब जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि जुडिशल रिव्यू का अख्तियार है अदालतों को लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि आइनी तरमीम तक के ऊपर जुडिशल रिव्यू का एक्सेस हो गया। एक्सेस जो है वो हो गया फिर हमने ये भी देखा कि हवाले से जो फैसले हुआ करते थे उनकी वजह से, से, से हो गया मतलब बे कि कोई एक काम अब ऑरेंज लाइन ट्रेन का ले लें उसको स्टे कर दिया दो साल वो हो गया और उसकी जो कॉस्ट बड़ी वो फिर कौन अदा करेगा हॉस्पिटल हॉस्पिटल डॉक्टर मतलब मतलब है की वो आप प्राइम मिनिस्टर्स आ, फिर पनामा फिर मतलब नेम एनीथिंग तो वो एक जुडिशल ओवर फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने लगे 63 ए के अंदर तो दो फाजिल जज साहबान ने कहा कि जनाब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वोट शुमार भी नहीं होगा और डिसीट भी हो जाएगा